गाना हिट होता है सलमान का, पब्लिक में नाच उठते हैं रणवीर सिंह, लीगल वॉर होती है कंगना रिथिक की और फ्रंट पेज पर आ जाते हैं कंगना के रोते हुए एक्स अध्ययन सुमन। एक्टिंग करती है प्रियंका चोपड़ा, लेकिन चिकनी होकर चमेली बन जाती है कटरीना कैफ। पिक्चर बैन होती है करण जौहर की, कूद जाते हैं कंट्रोवर्सी में पीएम को ट्वीट करके अनुराग कश्यप। इसको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड बिग स्टोरी, और आज की बिग स्टोरी है व्हेन स्टार्स स्टील अवे अ सुपरस्टार्स थंडर। खेल होता है सुपरस्टार का और बीच में कूद जाते हैं लाइमलाइट और क्रेडिट पाने के लिए दूसरे स्टार्स, चाहे हो रणवीर जैसे शैतान या कटरीना जैसी हॉट या फिर फेडेड और जेडेड अनुराग कश्यप, जिनकी फिल्म्स हो रही हैं फ्लॉप। ए दिल है मुश्किल का ही केस ले लो, फिल्म को जब सिंगल स्क्रीन पर बैन करने की बात हुई तो फिल्म से जुड़ा हुआ एक भी स्टार कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं था। करण जौहर, जिन्होंने कई दिनों बाद जाकर एक स्टेटमेंट रिलीज की, कई दिनों तक छिपे थे कैमरा से। स्टार कास्ट के बीच सन्नाटा ही छा गया था जब रणबीर, अनुष्का, ऐश्वर्या और करण सारे लोग चुप थे, तभी उसके बीच में कूदे अनुराग कश्यप। अनुराग जब पीएम को करण के फेवर में ट्वीट कर रहे थे तो पता नहीं कि वो रणबीर अनुष्का स्टार ए दिल है मुश्किल की चिंता में थे या फिर खुद के लिए पब्लिसिटी बटोर रहे थे। प्रॉब्लम था पाकिस्तानी आर्टिस्ट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच, जिसकी वजह से करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल पड़ गई है मुश्किल में। केजो ने तो लिया मौन रथ टू अवॉइड कॉन्ट्रोवर्सी, तो फिर अनुराग कश्यप को क्यों लगी मिर्ची? करण जौहर की फिल्म आ गई इस कॉन्ट्रोवर्सी के बीच, जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी ने बात की उनकी फिल्म को इंडिया में बैन करने की, क्योंकि उसमें स्टार कर रहे हैं फेमस पाकिस्तानी आर्टिस्ट फवाद खान। सिनेमा ओनर्स एग्जिबिटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COEAI ने भी करण जौहर की अपकमिंग फिल्म ए दिल है मुश्किल के रिलीज पर उठाए सवाल। इतना सब होने के बावजूद करण जौहर रहे चुप टू अवॉइड नेगेटिव पब्लिसिटी फॉर हिज फिल्म, लेकिन इस कंट्रोवर्सी से माइलेज लेने पहुंच गए जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप, जहां उन्होंने है इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी को कह दिया अपोलोजाइज करने के लिए। अनुराग ने ट्वीट किया @NarendraModiSir, you haven't yet said sorry for your trip to meet the Pakistani PM. It was December 25th, same time Kejo was shooting ADHM. Why? अनुराग उधर ही नहीं रुके, इंडिया के पीएम के नाम की चिट्ठी फाड़कर उन्होंने कर दिए काफी सारे और ट्वीट्स @NarendraModi. Why is it that we have to face it while you can be silent? ये ट्वीट के बाद जो अनुराग कश्यप चाहते थे वही हुआ, लोगों ने स्टार्ट कर दिया उनको ट्रोल करना और अनुराग कश्यप आ गए वापस न्यूज में। जाने माने कॉमेडियन सुरेश मेनन ने अनुराग कश्यप के व्यूज को स्लैम करते हुए ट्वीट किया @AnuragKashyap72 @NarendraModi, respected PM sir, please forgive Anurag as he doesn't know what he is saying or doing after Bombay Velvet. भाई अब सोचने वाली बात यह है कि अनुराग ये कंट्रोवर्सी में पड़े ही क्यों, जबकि उनकी फिल्म इन्वॉल्व्ड ही नहीं थी। ना तो पाकिस्तानी एक्टर्स के बैन की वजह से उनको तो एक रुपए का नुकसान था, और ना तो पीएम नरेंद्र मोदी ने पर्सनली ऑर्डर दिया था ए दिल है मुश्किल को बैन करने का। लेकिन अगर एक कॉन्ट्रोवर्सी से जुड़कर और इंडिया के पीएम को इन्वॉल्व करके मुफ्त में जब आपका पीआर हो रहा है तो फिर क्यों नहीं। वाओ, ये हुई ना बात, पिक्चर अटकी करण जौहर की, पैसे लगे करण जौहर के, स्टार्स फंसे करण जौहर के, पब्लिसिटी किसको मिली, अनुराग कश्यप को। ये कंट्रोवर्सी की आग में तेल डालकर अनुराग कश्यप ने तो अपना फायदा देख लिया, लेकिन बेचारे करण जौहर की फिल्म को सहना पड़ेगा इसका बॉक्स ऑफिस पे जुर्माना। अनुराग कश्यप इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
बी टाउन के कुछ स्टार्स वो बाराती की तरह होते हैं जो बारात में इतना नाचते हैं कि बाकी लोग ये भूल जाते हैं कि भाई शादी किसकी हो रही है। गाना गाते हैं सलमान और नाच उठते हैं रणवीर सिंह, वो भी इन फ्रांस। सलमान का सुल्तान का गाना हुआ सुपरहिट, बेबी का बेस लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन रणवीर को कुछ ज्यादा ही पसंद आया। सलमान अपने गाने का सुपर सक्सेस एंजॉय करने ही लगे थे कि रणवीर ने स्टील कर दिया उनका ही ठंडा। रणवीर सिंह ऐसी ऊटपटांग हरकतों के लिए फेमस हैं। पिछले दिनों रणवीर पेरिस में थे और वहां सलमान खान की फिल्म सुल्तान का शो चल रहा था, तब रणवीर ने ओवर एंथुसियाज्म में सुल्तान फिल्म के गाने पर इम्प्रॉम्प्टू डांस करना शुरू कर दिया बिल्कुल बेफिकर होकर। रणवीर दरअसल अपनी फोर्थ कमिंग फिल्म बेफिक्रे का सटल बट नॉट सो सटल प्रमोशन कर रहे थे, क्योंकि लोग सलमान खान की फिल्म सुल्तान भूल गए और रणवीर के डांस को देखने लग गए। नाउ दैट इज अ परफेक्ट केस ऑफ स्टीलिंग द थंडर फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। तो सोचो कि रणवीर सलमान के गाने पर यूं नाचे, यूं थंडर स्टील किया कि सलमान कुछ भी नहीं कह सके, बट मैं रणवीर के सर पे कुर्सी तोड़ दूंगा। व्हाट अ क्लास एक्ट रणवीर, आई मीन टू गुड। बॉलीवुड में ऐसे काफी सारे अब्दुल्ला घूमते रहते हैं जो फ्री पब्लिसिटी लेने के चक्कर में अपना नोज पोक करते हैं किसी और की प्रॉब्लम में। अब शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन को ही ले लीजिए। मसला था बी टाउन के दो सुपरस्टार्स का, ऑलरेडी ये कंट्रोवर्सी नेशनल न्यूज बन चुकी थी और यही कंट्रोवर्सी की बहती गंगा में हाथ धोने आ गए अध्ययन सुमन, जिनका बॉलीवुड करियर हो गया है ठंडा। ऋतिक कंगना वॉर के किस्से हर जगह फैल गए थे और हर पेपर की फ्रंट न्यूज बन गए थे। दोनों तरफ से बिलो द बेल्ट और पर्सनल टॉन्ट्स आ रही थी, लीगल केसेस फाइल हो गए थे और मामला एकदम गर्म था। और इसी गर्म लोहे पे हथौड़ा मारने आ गए कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन, जिन्होंने एक मौका नहीं छोड़ा अनवॉरंटेड पब्लिसिटी बटोरने का। अध्ययन ने कंगना को उन पर मेंटल और फिजिकल टॉर्चर का ब्लेम कर दिया और उन पर ब्लैक मैजिक का तड़का डालकर बना दिया इस कंट्रोवर्सी को और भी चटपटा। अध्ययन ने कंगना के खिलाफ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देकर अपना स्पॉट हर न्यूज की हेडलाइंस पर कर लिया पक्का। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन अध्ययन का नाम सभी के जुबान पर था। लेकिन अकेले अध्ययन कैसे इस कंट्रोवर्सी की मलाई खाते भाई? उनका हाथ बटाने आ गए अध्ययन के डैड शेखर सुमन, जिन्होंने भी कंगना के बारे में काफी राज खोले व्हेन शी वाज डेटिंग हिज सन। कंट्रोवर्सी कुछ दिन बाद हो गई ठंडी और इसके साथ अध्ययन और शेखर की लाइमलाइट भी हो गई ऑफ। मर्द को दर्द होता है और वो रोता भी है, लेकिन जब आमिर खान की तरह कोई ज्यादा ही इमोशंस में आकर आंसू की नदियां बहाता है, तब ट्रोलर्स उनको हैंकरचीफ नहीं बल्कि भर भर के ट्रोल्स देते हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ बजरंगी भाईजान से, जहां पर फिल्म का रिव्यू शो देखने के बाद आमिर दिखाई दिए अपने आंसू पोंछते हुए। लोगों को तब उनके आंसू जेन्युइन लगे, एज बजरंगी भाईजान वाज एन इमोशनल फिल्म। नेक्स्ट डे बजरंगी भाईजान को छोड़कर लोग कॉन्सेंट्रेट करने लगे उनके रोने पर। जब वो कट्टी बट्टी के वक्त भी रोते हुए निकले फिल्म के बाद, तो फिर लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने आमिर खान को क्राय का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और किसी ने आमिर को अपने ही आंसुओं में डुबो दिया। आमिर डेफिनेटली डिडंट माइंड एज ही वाज एंजॉयिंग ऑल द अटेंशन। आमिर जाने जाते हैं एज अ मार्केटिंग गुरु इन बॉलीवुड और वो अच्छी तरह से जानते हैं सारे पैंतरों को अपने आप को न्यूज में रखने के लिए, फिर चाहे वो अपनी पीआर सर्विस यूज करें या फिर हैंकरचीफ। आमिर भी ना सच में जिसकी मूवी देखते हैं वहाँ इतना रो देते हैं, इतनी पब्लिसिटी ले लेते हैं कि सामने वाला स्टार तो रियल लाइफ में रोने लग जाता है। Well, item songs is a trend in Bollywood और इसकी वजह से एक्टर्स को मौका मिल जाता है सिर्फ एक सॉन्ग करके सारी लाइमलाइट खुद पर लाने का। कुछ गाने तो इतने हिट हो जाते हैं कि लोग भले फिल्म को भूल जाएं, लेकिन आइटम सॉन्ग्स को नहीं भूलते। इसी वजह से कोई भी बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस आइटम सॉन्ग्स को मना नहीं करती।
अब आप करीना को ही ले लीजिए। वो भले ही प्रेगनेंसी की वजह से फिल्म की हीरोइन नहीं बन सकती, लेकिन रोहित शेट्टी की फोर्थ कमिंग फिल्म में आइटम सॉन्ग पर जरूर थिरकेंगी। आफ्टर ऑल आइटम सॉन्ग्स में करीना ने काफी सीटियां और तालियां जो बटोरी हैं। कभी फिल्म हीरोइन में उन्होंने अपनी हलकट जवानी वाले मूव्स दिखाए, तो कभी ऑडियंस को फिल्म दबंग में गागरा चोली पहनकर दिल में चिपकाने की बात की। इनफैक्ट करीना ने अल्टीमेट डांसिंग सेंसेशन हेलन जी का हिट सॉन्ग ये मेरा दिल पर दिल खोल कर डांस किया। कटरीना तो बॉलीवुड की ए लिस्ट हीरोइन है और वो आइटम सॉन्ग्स को एक चैलेंज की तरह लेती हैं। हर आइटम सॉन्ग में कटरीना अपने लुक और स्टाइल कोशन पर काम करती हैं। डांस मूव्स भी अलग स्टाइल और जॉनर के चुनती हैं। चिकनी चमेली में रैपचिक रॉस्टिक अवतार से लोगों को अपने फोक डांस के स्टाइल से फ्लैट कर दिया, तो शीला की जवानी में कटरीना ने सिर्फ एक व्हाइट सैटिन बेडशीट पहनकर ऑडियंस के सपनों में आकर उनकी नींद ही उड़ा दी। अगर देखा जाए तो ऑडियंस को कटरीना की एक्टिंग से ज्यादा उनके आइटम सॉन्ग्स ही याद हैं। ये सुपरस्टार आइटम गर्ल्स अपने एक गाने से फिल्म की मेन हीरोइन की कर देती हैं छुट्टी और बिना कोई मेहनत ले लेती हैं माइलेज और पॉपुलैरिटी। दीपिका पादुकोण अब दिनेश विजयन की फिल्म राबता में एक स्पेशल आइटम नंबर परफॉर्म करने वाली हैं। इस फिल्म की हीरोइन कृति सैनन है, लेकिन दीपिका के स्पेशल अपीयरेंस आइटम डांस का चर्चा अभी से ही हो रहा है। भाई रूमर तो ये भी है कि कृति सैनन दीपिका के इस खास हॉट नंबर की वजह से इनसिक्योर भी फील कर रही हैं। सरप्राइजिंगली दीपिका ने पहले कहा था कि उन्हें आइटम सॉन्ग का कॉन्सेप्ट अजीब लगता है, क्योंकि वो तो भाई एक ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर हैं। लेकिन अब दीपिका भी आइटम सॉन्ग के बैंड वैगन पर कूद गई हैं। प्रियंका चोपड़ा का एक ही प्रॉब्लम था, अक्सर उनकी फिल्म्स में आइटम गर्ल्स ठुमके लगाकर लाइमलाइट छीन जाती थीं। फिर प्रियंका चोपड़ा ने भी कमर कस ली और फिर बबली की बदमाशी ऑडियंस को दिखाई पिंकी नाम के हॉट नंबर से, अपने सेक्सी क्वेश्चन को और स्ट्रॉन्ग बनाया फिल्म जंजीर के रीमेक में, एंड देन द अल्टीमेट डांस आइटम जिससे प्रियंका की सेक्सी सेंशुअल अवतार की चर्चा हुई वाज द राम चाहे लीला चाहे नंबर, जिससे ऑडियंस की प्रियंका के लिए चाहत बढ़ गई। भाई अब तो शायद प्रियंका का बस चले तो हॉलीवुड फिल्म बेवॉच में भी वो एक आध आइटम सॉन्ग परफॉर्म कर ही लेंगी। जैसे आइटम गर्ल स्टील कर देती हैं मेन हीरोइन से आईबॉल्स, वैसे ही स्टार्स फिल्म में कैमियो रोल करके अपनी पब्लिसिटी के साथ साथ मेन स्टार कास्ट को कर देते हैं साइडलाइन। 9 times out of 10 if you've done a special something in the film, it probably means you've done a special film. You know what I mean? Like if you're very very good in that one song, you're probably very very good in the film as well. अक्षय कुमार जिन्होंने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म डिशुम में प्ले किया एक कैमियो ऑफ अ मिलियनेयर हु इज गे, लोगों को अक्षय का कैरेक्टर इतना पसंद आ गया कि फिल्म की रिलीज के बाद अक्षय के कैरेक्टर की ज्यादा चर्चा हो रही थी कंपेयर टू जॉन एब्राहम एंड वरुण धवन जो कि फिल्म के मेन लीड थे। भाई बड़े से बड़े स्टार्स कैमियो करने से नहीं कतराते, क्योंकि आजकल फिल्म रिलीज होने के बाद यही कैमियो रोल्स बन जाते हैं फिल्म की यूएसपी। ट्रेलर्स और मूवी प्रमोशन में तो आजकल पूरी की पूरी फिल्म दिखा देते हैं प्रोड्यूसर्स, तो सरप्राइज पैकेज का रोल प्ले करते हैं ये कैमियो रोल्स जो कि फैन की नजरों में बस जाते हैं। करण जौहर जानते हैं कि कैमियो रोल एक फिल्म के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए उनकी अपकमिंग फिल्म ए दिल है मुश्किल का बज बरकरार रखने के लिए करण जौहर ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया आलिया भट्ट का कैमियो इन द फिल्म। इट्स करण'स विजन, आई मीन हीज हैड कैमियोस इन मोस्ट ऑफ हिज फिल्म्स एंड दे ऑल अमेजिंग, सो आई एम श्योर इट विल बी ग्रेट। इफ अ ग्रेट फिल्ममेकर लाइक करण जौहर कॉल्स यू फॉर अ सीन and you know even if you have one line you know he'll present you nicely, it adds to their scene, it can sometimes be really funny, it can sometimes be really emotional, it can just be a song that you come in. So aajkal cameo role producers use kar rahe hain apni film ko promote karne ke liye. At the end of the day, bums on seats get people into the theater, whatever you need to do, do it. Flying jet mein agar Krish aa jata to shayad you know enhance hota kuch. वक्त आ गया है बेफिक्रे के प्रोमो को रिव्यू करने का, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
तो रणवीर की हॉट किसिंग पिक्चर्स क्या थी वो वर्थ द वेट? रणवीर वाणी के साथ अपने किसिंग सीन्स को कर रहे थे शो ऑफ। रणवीर सिंह ने कर दिया था अपने हॉट किसेस को इतना हाइप कि लोग बेफिक्रे के लिए हो गए थे बेसबर। रणवीर ने स्ट्रिप टीज किया और यशराज ने प्रोमो के लिए फैंस को टीज किया। सो वॉज द बेफिक्रे प्रोमो वर्थ द वेट? लेट्स फाइंड आउट कि बेफिक्रे का प्रोमो कैसा है इन जूम रिव्यू। लुकिंग एट द फर्स्ट लुक ऑफ द फिल्म, बेफिक्रे लग रही है काफी सिमिलर टू यशराज's अर्लियर मूवी शुद्ध देसी रोमांस, जहां पर द लीड पेयर आर नॉट लुकिंग फॉर लव बट सम फन। लेकिन ये तो हो गई देसी लेवल की बात, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर इसकी बात करते हैं तो इस प्रोमो की झलक एक यूरोपियन फिल्म लव मी इफ यू डेयर की याद दिला देती है। अब ये आप ही डिसाइड कर लीजिए कि ये एक कोइंसिडेंस है या फिर एक इंस्पिरेशन। लव मी इफ यू डेयर फिल्म में दो बच्चे एक दूसरे को डेयर करते रहते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके डेयर्स हो जाते हैं रिस्की। तो अब देखिए रणवीर का ये सीन। बेफिक्रे के ट्रेलर में सीन्स जहां पर रणवीर कॉप को थप्पड़ मारते हैं और डेयर का कॉन्सेप्ट जो लीड पेयर की नॉन कमिटल रिलेशनशिप में स्पाइस डालने के लिए यूज किया गया लग रहा है कुछ हद तक। रणवीर सिंह और वाणी कपूर की केमिस्ट्री है एकदम सिजलिंग और दोनों दिख रहे हैं बहुत ही कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ। वाणी और रणवीर की नॉटीनेस को देखकर शायद संस्कारी बाबूजी तो शर्मा ही जाए। रणवीर दिख रहे हैं ड्रूल वर्दी, लेकिन रणवीर के लिए ये फिल्म है बहुत बड़ी रिस्क बिकॉज रणवीर हैज गिवन द इंडस्ट्री हिट्स लाइक बैंड बाजा बारात, राम लीला, दिल धड़कने दो और बाजीराव मस्तानी। जब उनके साथ फिल्म में थी दीपिका पादुकोण या अनुष्का शर्मा, विच एवर फिल्म रणवीर ने की है विदाउट दीपिका या अनुष्का, इट हैज मिस्ड द मार्क एट द बॉक्स ऑफिस। बेफिक्रे में रणवीर एक रिलेटिव न्यूकमर वाणी के साथ पेयर हुए हैं, जो उनके करियर के लिए एक एसिड टेस्ट हो सकती है, पर लगता है रणवीर सिंह इस टेस्ट में खरे उतरेंगे। वाणी बिकिनी लुक में लग रही हैं एकदम रैविशिंग और वाणी की सपोजिटली इनहेंस लिप और चिन की चर्चा सोशल मीडिया पर हो गई है काफी पॉपुलर। सो यस, चिन चिन टू वाणीज लुक्स इन द फिल्म। अरे चिन नहीं, चिन चिन, जिसका मतलब होता है चीयर्स। तो जूम रिव्यू पर बेफिक्रे के प्रोमो का स्कोर है 3.5 स्टार्स। तमाशा चलता ही रहता है और मजा आता ही रहता है, और एक शोमैन जो अपने फैंस पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वक्त हो गया है जाने का, मिलते हैं नेक्स्ट वीक और एक बिग स्टोरी के साथ, बिकॉज दिस इज बॉलीवुड बिग स्टोरी। तब तक के लिए अलविदा।